गाइस, आज के इस क्विक वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं अपने चार फेवरेट मैजिस्क मॉड्यूल। आपने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस इस सेम टॉपिक पे देख लिया होगा, हो सकता है आपने ये चारों मॉड्यूल्स पहले ट्राई कर लिया होगा या फिर एक भी नहीं किया होगा। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि इसमें आपके लिए इंटरेस्टिंग क्या है। गाइज, यूट्यूब वैंस, ग्रीनिफाई, ऐप सिस्टमाइजर, डी ब्लोटर जैसे मॉड्यूल्स के बारे में आपने सुना होगा। आज मैं कुछ और इंटरेस्टिंग यूजफुल मॉड्यूल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करके चैनल को सपोर्ट कीजिए एंड देखते रहिए आईफोन अनबॉक्स। पहला मॉड्यूल है मिडनाइट कोर ट्वाइलाइट एडिशन। इस मॉड्यूल के साथ आपको मिलेगा मिडनाइट फॉन्ट्स, मिडनाइट मीडिया। मिडनाइट मीडिया में बूट एनिमेशन सिस्टम, यूआई साउंड, लॉक स्क्रीन साउंड आप चेंज कर सकते हो। अगर आपके फेवरेट बूट एनिमेशन या फॉन्ट्स वगैरह मिडनाइट कोर में अवेलेबल नहीं है तो आप इसे कहीं और से डाउनलोड करके ईजिली अप्लाई कर सकते हो इस मॉड्यूल द्वारा। टर्मिनल ऐप ओपन कीजिए, मिडनाइट टाइप कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। स्क्रीन पे 6 ऑप्शंस आपको दिखेंगे, मिडनाइट फॉन्ट का, दूसरा मिडनाइट मीडिया का, तीसरा मिडनाइट मिसेलेनियस का, चौथा मिडनाइट कस्टम। ने कहीं और से फाइल्स डाउनलोड किए हैं लाइक बूट एनिमेशन या फिर फॉन्ट्स, वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको पाँचवा दिखेगा, री स्टोर डिफॉल्ट, यानी आप प्रीवियस पोजिशन पर वापिस जा सकते हैं। एंड छठा है क्यू, यानी क्विट। अब मैं एक नंबर सेलेक्ट करूंगा फॉन्ट्स के लिए। गाइस, इस तरह के कामों के लिए आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, फिर आपको दिखेगा बहुत सारे फॉन्ट्स के ऑप्शन जो आपको एक सेलेक्ट करना है। आप कोई भी एक सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद इसे अप्लाई कीजिए एंड फ़ोन को रिबूट कर दीजिए। इसी तरह गाइस, आप बूट एनिमेशंस भी चेंज कर सकते हो। ये AOSIP ROM का बूट एनिमेशन है। अब मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करने वाला हूँ। गाइज, आपने नोटिस किया होगा, मैं चाहे कोई भी नया स्मार्टफोन यूज़ करूं, कोई भी नया कस्टम रोम ट्राई करूं, डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड मेरा हमेशा जीबोर्ड रहता है, गूगल कीबोर्ड रहता है। गूगल कीबोर्ड में आपको ऑलरेडी कई सारे थीम्स के ऑप्शन मिलते हैं, आप अपने फेवरेट वॉलपेपर बैकग्राउंड में सेट भी कर सकते हो। बट एक बहुत ही अमेजिंग मॉड्यूल है जीबोर्ड थीम्स मॉड्यूल, और इसमें आपको मिलेंगे बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन के थीम्स जिसे आप इंजॉय कर सकते हो। गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पे सीरियसली बहुत सारे ऑप्शंस है एंड आपका जीबोर्ड बहुत ही अमेजिंग लगेगा, इसे ज़रूर ट्राई करना। इस तीसरा मॉड्यूल है कलर एक्सेंट। अगर आप कोई पाई बेस्ड रोम में हो और आपको लाइट एंड डार्क थीम का तो ऑप्शन मिलता है बट कलर एक्सेंट अवेलेबल नहीं है, तो डोंट वरी, आप ये मॉड्यूल अप्लाई करो। डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर आपको कलर थीम ऑप्शन अवेलेबल दिखेगा, आप इसके जरिए अलग अलग कलर एक्सेंट ट्राई कर सकते हो। गाइज, मैं AOSIP बेस्ड कस्टम रोम में हूँ और इसमें मुझे डार्क एंड लाइट थीम का ऑप्शन तो दिखा था बट कलर एक्सेंट नहीं मिले थे, तो मैंने इसे अप्लाई कर लिया। अब मुझे बहुत सारे कलर एक्सेंट अवेलेबल दिख रहे हैं, आप भी ट्राई करके इसे जरूर देखना। गाइस, ये है मेरा मैक्स प्रो M1। इसमें मैंने इंस्टॉल किया एक पाई बेस्ड रोम और इसके साथ डॉल्बी एटमॉस कंपैटिबल नहीं, यानी पाई बेस्ड रोम के साथ आप डॉल्बी एटमॉस ट्राई नहीं कर सकते। तो मैंने इसमें इंस्टॉल किया वाइपर फॉर एंड्रॉयड।
इक्वलाइजर, सराउंड प्लस, वाइपर बेस, वाइपर क्लैरिटी। गाइज मैं साउंड सिस्टम में एक कच्चा खिलाड़ी हूँ, पर सीरियसली कुछ इक्वलाइजर में प्रीसेट्स मैंने ट्राई किया, वाइपर बेस, वाइपर क्लैरिटी इनेबल करके साउंड सुना, मुझे म्यूजिक में बहुत ही मजा आया, पहले से मच बेटर एक्सपीरियंस रहा मेरा। गाइज अगर आप भी मैजिस्क फ्लैश कर चुके हो तो आप ये चारों मॉड्यूल ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो इसे लाइक एंड शेयर करके चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, एंड देखते रहिए आई फॉर अनबॉक्स।